2.5 का पहला टॉपिक जो है और 2.5 का आखिरी टॉपिक, क्योंकि 2.5 में एक ही टॉपिक है और वो टॉपिक है कि आपने इक्वेशंस पता होनी चाहिए आपको डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस की। डिफरेंट स्ट्रेट लाइन का मतलब सबसे पहली टाइप जो हम डिस्कस करेंगे वो होंगी इक्वेशंस ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्सिस। एक्सिस का मतलब ये कि उसमें एक्स एक्सिस भी आ गया, वाई एक्सिस भी आ गया। बात बिल्कुल ठीक है, आज शुक्र करो क्लास में ले रहे हो, उनके थोड़ा सा मसला हो गया था। अब क्लास कैंसिल करने के बजाय आपने 5 बजे जाना होगा ना, तो 5 बजे क्लास ऑफ हो जाएगी। एक्सिस मैंने यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब ये है कि मैं अभी एक्स एक्सिस की बात भी कर रहा हूँ, मैं अभी वाई एक्सिस की भी बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कोई लाइन अगर वो पैरेलल है वाई एक्सिस के, लेट कर लो ये वो एक लाइन है जो वाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। अगर आपने इसकी इक्वेशन बतानी है तो उसकी इक्वेशन बनाने का तरीका ये है कि नॉर्मली याद रखना, जब भी कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है या वाई एक्सिस के पैरेलल है तो उसमें एक ही वेरिएबल आएगा, या तो एक्स मौजूद होगा या वाई मौजूद होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। दूसरी बात, अब पता कैसे चलेगा, ये कन्फ्यूजिंग चीज़ होती है, तो इसकी निशानी मैं अपने स्टूडेंट को बताता हूँ कि अगर कोई लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो वो किस एक्सिस को क्रॉस करेगी, वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगी, तो उसकी इक्वेशन में एक्स आएगा। इक्वल एक कांस्टेंट होगा, वो कांस्टेंट क्या होगा, वो कांस्टेंट बताएगा कि लाइन वाई एक्सिस से कितना दूर है, जिसको मैंने ए का नाम दे दिया। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स इक्वल टू वो लाइन जितनी दूर है वाई एक्सिस से। अब अगर लाइन वाई एक्सिस के राइट की तरफ है तो ये कांस्टेंट पॉजिटिव आप लोगे, और अगर वो लेफ्ट की तरफ है तो उस कांस्टेंट को आप नेगेटिव ले लोगे। मैं एक दो एग्जांपल करवा दूंगा ताकि आप लोगों को आइडिया भी हो जाए। तो ये लाइन होगी, अगर आप अरेंज करना चाह रहे हो तो इस तरह भी लिख सकते हो, एक्स माइनस ए इक्वल टू जीरो। तो ये वो उस लाइन की इक्वेशन है जो पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है। अब ऐसी लाइन जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, अगर इस लाइन को देखो तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो वो किस एक्सिस को क्रॉस करेगी, वो वाई एक्सिस को क्रॉस करेगी, तो उसकी इक्वेशन में क्या आएगा, वाई आ जाएगा। इक्वल सम कांस्टेंट, अब वो कांस्टेंट क्या होगा यहाँ पे, कि वो लाइन एक्स एक्सिस से कितना दूर है, लेट कर लो बी मैंने कह दिया, तो ये हो जाएगा वाई इक्वल टू बी। अरेंज करो तो वाई माइनस बी इक्वल टू जीरो। यार आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी नज़र आ रही है, कि स्टूडेंट कह रहा है कि ब्लर इमेज नज़र आ रही है, सबको प्रॉब्लम हो रही है, ये सही है बिल्कुल। सही है, ठीक है। तो ये दो लाइंस की इक्वेशन आप लोग याद रखना, ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल्स करवा देता हूँ, बाकी आप लोग खुद ट्राई करना। ये जो क्वेश्चन है ना, ये 2.5 का पहला क्वेश्चन जो है उसके शुरू के मेहल में 6-7 पार्ट इसी से रिलेटेड है, मैं 2-3 पार्ट करवा देता हूँ, बाकी आप लोग खुद ट्राई करना अपनी तरफ से। अच्छा मैं भी बता देता हूँ, एग्जांपल भी आएगी। क्या कहते हैं, इसमें लिखा हुआ है पैरेलल टू एक्स एक्सिस और कुछ पार्ट में लिखा हुआ है परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। तो जहन में रखो, अगर वो बोले ना कि लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो अगर कोई लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी तो वो परपेंडिकुलर किसकी होगी, एक्स एक्सिस की होगी। जैसे अगर आप देखो ये वाली लाइन जो है ये वाई एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है, तो अगर ये y एक्सिस के पैरेलल है तो ये परपेंडिकुलर किसके ऊपर होगी, x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। तो अगर कोई लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है तो उसको दो तरीके से बता सकते हैं, या तो वो बोलेंगे कि पैरेलल टू y एक्सिस है, या वो बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर टू x एक्सिस है, तो दोनों का मतलब एक हो जाएगा। या वो ये भी बोल सकते हैं कि लाइन का स्लोप अनडिफाइन है, लाइन का स्लोप अनडिफाइन है, तो यहां से भी आपको समझ आ जाएगा कि सिर्फ y एक्सिस जो है उसका स्लोप अनडिफाइन होता है। तो अगर किसी और लाइन का स्लोप भी अनडिफाइन है, इसका मतलब वो y एक्सिस के पैरेलल है। तो तीन तरीके हो सकते हैं, या तो वो बोलेंगे पैरेलल टू y एक्सिस, या वो बोलेंगे परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, या वो बोलेंगे कि स्लोप उसका अनडिफाइन है। तीनों का मतलब यही है कि भाई वो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी। और सेम कॉन्सेप्ट आप दूसरे पे भी ले आओ, कि पैरेलल टू x एक्सिस भी बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर टू y एक्सिस भी इस लाइन को बोल सकते हैं, और इस लाइन को बोल देंगे कि उसका स्लोप जीरो है,
एक्स एक्सिस का स्लोप जीरो होता है तो इसके पैरेलल कोई भी लाइन होगी उसका स्लोप भी क्या होगा, जीरो होगा। तो इस लाइन को इस तरह भी डिस्क्राइब किया जा सकता है कि ये इसका स्लोप जीरो है। तो तीनों कंडीशन में आपको पता चल जाएगा कि लाइन जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अब लाइन की इक्वेशन मालूम करने के लिए ये डेटा काफी नहीं है कि y एक्सिस के पैरेलल है या x एक्सिस के पैरेलल है, इतना डाटा काफी नहीं होगा, वो कुछ और भी आपको हिंट देंगे। अब हम देखते हैं, जैसे पार्ट नंबर टू है, लिखा हुआ है पैरेलल टू y एक्सिस, मतलब y एक्सिस के पैरेलल है। अब मैंने बताया था कोई भी लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन में क्या आएगा, x आ जाएगा सबसे पहली बात। फिर लिखा हुआ है एट अ डिस्टेंस 1 यूनिट टू इट्स लेफ्ट, वो y एक्सिस के लेफ्ट पे 1 डिस्टेंस के फासले पे है, तो आप लिखोगे 1, लेकिन लेफ्ट पे है इसलिए आप -1 लगा दोगे। तो किस तरह, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है इसलिए मैंने यहां पे x लिख दिया, कांस्टेंट जो है डिस्टेंस जो है वो 1 है और लेफ्ट की तरफ है तो इसलिए क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो ये पार्ट नंबर 2 का मैंने सॉल्यूशन करवाया। इसी तरह कंसीडर कर लो पार्ट नंबर 4 है 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1 का, उसमें लिखा हुआ है पैरेलल टू y एक्सिस, अगर कोई लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है अगेन उसकी इक्वेशन में कांस्टेंट आ जाएगा। या पार्ट नंबर में 3 करवा देता हूं डिफरेंट करने के लिए, कि पैरेलल टू x एक्सिस, जब भी कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसकी इक्वेशन में y आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, -3, अगर आपको गिवन हो कि लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसकी इक्वेशन में वाई आएगा, इतना तो आपको समझ आ गया। अब आगे कांस्टेंट आप क्या लिखोगे, वो लाइन जो है ना वो लाइन पास कर रही है इस पॉइंट से, तो जो पॉइंट में वाई वैल्यू होगी ना वो आपने एज इट इज कॉपी कर देनी है। ये लो भाई, ये इक्वेशन बन गई उस लाइन की। कंसिडर करो, वो आपको बोलते हैं कि एक लाइन है वो पैरेलल है वाई एक्सिस के, तो अगर वाई एक्सिस के पैरेलल होगी उसकी इक्वेशन में एक्स आएगा और वो इस पॉइंट से पास कर रही है, तो आपने बस ये देखना है कि इस पॉइंट में x वैल्यू क्या है 2, तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी x इक्वल टू 2। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपने देखे हुए होंगे, 2.5 में करके गए हो आप लोग, तो दोबारा इसको रिवाइज करवा देना। और आखिरी पार्ट है, लेट कर लो पार्ट नंबर हम 5 पिक कर लेते हैं। इसमें था पैरेलल टू y एक्सिस, इसमें था पैरेलल टू x एक्सिस, और इसमें कंडीशन क्या गिवन है, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। अब आपको सवाल में बोला गया है कि लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के, तो अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है तो वो पैरेलल किसके हो जाएगी, वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो कोई भी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होती है उसकी इक्वेशन में एक्स आता है। उसके बाद लिखा हुआ है वो पास कर रही है 3, 5 से, तो आप बस देखो पॉइंट में x वैल्यू क्या है 3 है, तो आप यहां पे 3 पुट कर दो, तो ये उस लाइन की इक्वेशन है जो परपेंडिकुलर है x एक्सिस के और वो लाइन पास कर रही है इस पॉइंट से। तो ये वाला टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिया, कोई सवाल है तो पूछ लो। मैंने 3 पार्ट करवाए, बाकी 3 पार्ट जो है, मतलब पार्ट नंबर 1 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ये आप लोग ट्राई करना, अगर नहीं किए हुए तो कर लेना, ये तो आप लोगों के बोर्ड के एमसीक्यूज बनते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई सवाल है तो पूछ लो अभी। ठीक है, उसके बाद आपके पास टॉपिक है, इक्वेशन से रिलेटेड ही है, कि आपको स्ट्रेट लाइन की डिफरेंट फॉर्म पता होनी चाहिए। ये एमसीक्यूज में डायरेक्ट भी पूछी जाती हैं कि भाई बताओ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, या आपको बोलेंगे कि बताओ टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, या इनकी एप्लीकेशन भी आ सकती है कि वह आपको डेटा दे दें, लेट कर लो किसी सवाल में आपको 2 इंटरसेप्ट दे दें और आपको बोलेंगे यार इक्वेशन मालूम करो, तो आप कैसे 2 इंटरसेप्ट से इक्वेशन मालूम करोगे, या आपको 2 पॉइंट दे दें स्ट्रेट लाइन के ऊपर और आपको बोले स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मालूम करो, या आपको 1 पॉइंट और स्लोप दे दें, मतलब लाइन के ऊपर कोई भी 1 पॉइंट दे दें और लाइन का स्लोप दे दें, अब बोलेंगे उसकी इक्वेशन मालूम करो, तो डिफरेंट डाटा गिवन हो सकता है, आपको उसकी इक्वेशन मालूम करनी होगी। तो अब सवाल ये कि मालूम कैसे करोगे, यहाँ पे सबसे पहली और बेसिक फॉर्म है, उसको आप बोलते हो स्लोप पॉइंट फॉर्मूला। स्लोप पॉइंट नाम से बता रहा है कि उसके लिए आपको स्लोप चाहिए और 1 पॉइंट चाहिए, है क्या,
y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, वेयर वाई वन एक्स वन मतलब ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे पॉइंट के, और m जो है वो यहाँ पे शो कर रहा है स्लोप को। तो अगर आपके पास लाइन का स्लोप पता है और आपको पॉइंट पता है उसके ऊपर, तो आप पुट करना, आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, ये जो मैं एग्जांपल देने लगा हूँ ना, ये क्वेश्चन नंबर वन के आगे के पार्ट्स में मिल जाएगी और क्वेश्चन नंबर टू में भी आपको मिल जाएंगी 2.5 के, तो सॉल्व कर लेना वहाँ से। मैं कोई एग्जाम्पल दे देता हूँ, लेट कर लो एक पॉइंट है 1.2 और स्लोप गिवन है -2/3, और आपको बोला गया है कि इस लाइन की इक्वेशन मालूम करो, तो आप क्या करोगे, y माइनस वाई वन क्या है 2 के बराबर, स्लोप है -2/3, एक्स वन है यहाँ पे 1 के बराबर, 3 को मल्टीप्लाई करवा दो 3y-6, ये हो जाएगा -2x-1, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो -2x+2, अरेंज करो, ये -2x वाली टर्म इधर आके पॉजिटिव हो जाएगी, 3y ऑलरेडी मौजूद है, और 2 वाली टर्म भी इधर आके नेगेटिव हो जाएगी, तो आपके पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो इस तरीके से अगर आपके पास स्लोप और पॉइंट गिवन है तो आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मालूम कर लोगे। अब इसकी एक ट्रिक है जो कि, क्योंकि आप देख सकते हो कि बहुत छोटा सा मेथड है, इसकी ट्रिक ऐसा सच कुछ होनी चाहिए नहीं, लेकिन एक ट्रिक है जो मैं बहुत यूज़ करता हूँ। मैंने स्लोप पॉइंट फार्मूला काफ़ी अर्से से छोड़ दिया यूज़ करना, वो ट्रिक मुझे काफ़ी आसान लगती है, मैं हमेशा वही यूज़ कर रहा होता हूँ। उस ट्रिक से बस फायदा ये होता है कि एक लाइन में आपका आंसर आ रहा होता है, इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ उसको। तो मैं बता देता हूँ, अगर आप लोगों को शौक हो तो आप लोग भी इस मेथड से कर लेना, गौर से सुनना बात को। स्लोप को आप कंसीडर करोगे, स्लोप का साइन नेगेटिव है या पॉजिटिव है, यार नेट का कनेक्शन मसला हो रहा है आप लोगों को क्या, क्योंकि अगर मसला होता तो सब एक साथ बता दिया करो, एक एक स्टूडेंट बोल रहा है, इसका मतलब बाकी उनको ठीक है शायद। कोई कह रहा है क्लियर है, कोई कह रहा है कि वो, यार ज़्यादातर क्लियर ही बोल रहे हैं, मैं क्या बोलूँ इसमें। अच्छा तो देखो, अगर मेरी तरफ से मसला होगा सबको मसला होगा, ये नहीं कि किसी के नेट अच्छे हैं तो चल जाएगा, क्योंकि मेरा नेट ख़राब है तो आप लोगों का जितना भी अच्छा हो आप लोगों का मसला ही होगा, इसलिए मेरी तरफ से इशू आ नहीं रहा। बहरहाल तो इसी तरीका क्या देख लेते हैं कि आपने स्लोप के अंदर माइनस साइन लिखा हो या पॉजिटिव लिखा हो, साइन को आप इग्नोर कर दोगे, आप वैल्यू देखोगे, वैल्यू क्या लिखी हुई 2/3, जो न्यूमरेटर है वो x का कोफिशिएंट होगा इक्वेशन में, जो डिनोमिनेटर है वो y का कोफिशिएंट हो जाएगा इक्वेशन में, अगर स्लोप नेगेटिव है तो दरमियान में पॉजिटिव आ जाएगा, जो ऊपर न्यूमरेटर था वो x का कोफिशिएंट बन गया, जो डिनोमिनेटर था वो y का कोफिशिएंट बन गया, अगर स्लोप नेगेटिव है तो दरमियान में पॉजिटिव आ जाएगा, अगर स्लोप पॉजिटिव है तो दरमियान में नेगेटिव आ जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन की दो टर्म हो गई इक्वल, जो पॉइंट है वो आप इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, जब आप x की जगह 1 पुट करोगे 2 1 2, y की जगह जब आप 2 पुट करोगे 3 2 6, 2+6 8 के बराबर, तो आपका एक स्टेप में डायरेक्ट आंसर आ जाता है। अगर पसंद आती है ट्रिक तो कर लेना, नहीं तो ये भी कोई इतना बड़ा मेथड नहीं है, 3-4 स्टेप ही के हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो स्लोप पॉइंट फार्मूला जो है वो मैंने आप लोगों को बता दिए, अब जो बाकी फॉर्म है उसको देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। उसके बाद एक और दूसरी इंपॉर्टेंट टाइप है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, नाम से पता चल रहा है आपको कि आपको स्लोप गिवन होगा और आपको इंटरसेप्ट गिवन होगा, लेकिन यहां पे जो इंटरसेप्ट की बात की जा रही है वो वाई इंटरसेप्ट की बात की जा रही है। तो मैं पहले फॉर्म बता देता हूं, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, इस फॉर्म को आप कहते हो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अच्छा, कहीं जगह पे आपको यहां पे सी भी नजर आ जाएगा, कहीं जगह पे आप बी लिखा होगा, कहीं जगह पे सी लिखा होगा, मैटर नहीं करता, कोई भी कांस्टेंट यहाँ पे लिखा हुआ है तो वो शो करेगा वाई इंटरसेप्ट को। तो ये जो कांस्टेंट है ये शो कर रहा है वाई इंटरसेप्ट को, और एम जो है वो यहाँ पे स्लोप है, तो इस इक्वेशन को आप कहते हो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब
इसकी एग्जांपल यार आप लोग देख लेना, कोई इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ यहाँ पे, वो क्लियर करनी चाहिए तो नहीं क्योंकि आप लोगों का लेवल नहीं है ये वाला कि मैं ये बात बताऊँ, लेकिन स्टिल मैंने स्टूडेंट को देखा गलती करते हुए तो मुझे मजबूरन बतानी पड़ रही है। लेट कर लो आपके पास एक लाइन है जिसका स्लोप 1/2 है और उसका वाई इंटरसेप्ट -2 है। तो स्टूडेंट करते क्या है, सबसे पहले वैल्यूज पुट करते हैं। मैंने बहुत से स्टूडेंट को गलती करते हुए देखा है कि वो इस 2 को जाके यहाँ पे y से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बेटा गर्क हो जाता है कैलकुलेशन का। तो याद रखना, ये जो मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो ये आप उस वक्त करते हो जब आपके पास एक टर्म होती है, जब एक ही टर्म मौजूद है उसका डिनोमिनेटर आप दूसरी जगह जाके मल्टीप्लाई कर सकते हो। अभी ये एक टर्म नहीं, ये 2 टर्म है, तो अभी डायरेक्ट आप 2 को मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते। तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको यहाँ पे या तो इस -2 को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, फिर 2 को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देना, इस तरह भी कर सकते हो, या इन दोनों का एलसीएम ले लो। जब एलसीएम लोगे तो फ्रैक्शन आपकी क्या आ जाएगी, एक्स -4 डिवाइडेड बाय 2, इस तरह कर लो, या -2 को उधर ले जाते। अब सॉल्व करो, अब 2 को मल्टीप्लाई करवा देना, सिंप्लीफाई करना, इक्वेशन आ जाएगी ये वाली। तो भाई इस कैलकुलेशन का आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे 3 केसेस बन सकते हैं, मतलब आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर मैं आपको बोलूं कि m 0 हो जाए, बल्कि आप लोग ही आंसर दोगे, मैं लिख देता हूँ, सोचना और फिर मैं जवाब देना, इतनी देर में कुछ और लिख लूंगा, कि अगर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में स्लोप 0 हो जाए तो जो लाइन की इक्वेशन बचेगी तो वो किस लाइन की इक्वेशन को शो कर रही होगी, मतलब अगर इसमें स्लोप 0 हो गया तो वो जो इक्वेशन आएगी वो किस लाइन को रिप्रेजेंट कर रही होगी। दूसरी चीज, अगर इस इक्वेशन में बी 0 हो गया तो अब वो किस लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। और तीसरी चीज, अगर इक्वेशन में एम भी 0 हो गया, बी भी 0 हो गया, तो अब वो किस लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। ये 3 जवाब मुझे चाहिए, थोड़ा सोचो और आंसर मिल जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। सर पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाई इक्वल टू एक्स, वाई एक्स एक्स, मतलब आप कहने के मुताबिक अगर एम 0 हो जाएगा तो वो लाइन शो करेगी वाई एक्सिस को। यार को जो जिन्होंने जवाब दिए वो अपना माइक्रोफोन ऑन करना चाहते हो तो करके बता दो मुझे, क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा आंसर में। खैर मैं बता देता हूँ आप लोगों को, अगर आप इस इक्वेशन में m 0 पुट कर दो तो आपके पास इक्वेशन बचेगी y इक्वल टू बी, और अभी मैंने बताया था y इक्वल टू बी उस लाइन की इक्वेशन होती है जो पैरेलल टू x एक्सिस होती है, जाके देख लेना अभी टॉपिक पढ़ाया था, y इक्वल टू बी उस लाइन की इक्वेशन होती है जो पैरेलल टू x एक्सिस, हाँ पैरेलल टू x एक्सिस होती है। अगर इस इक्वेशन में मैं बी 0 पुट कर दूंगा तो मेरे पास इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू एम एक्स। याद रखना, अगर आपकी इक्वेशन में y की टर्म मौजूद है, x की टर्म मौजूद है, लेकिन कांस्टेंट नहीं है उसके अंदर, तो समझ जाना कि वो लाइन ओरिजिन से पास कर रही है। क्या मैंने बोला है कि अगर आपकी लाइन में x भी मौजूद है, y की टर्म भी मौजूद है, लेकिन कांस्टेंट मौजूद नहीं है, तो अब वो लाइन जो है वो ओरिजिन से पास करेगी, ठीक है। तो ये देख लो कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब लाइन जो है वो पास कर रही है ओरिजिन से। और तीसरे केस में अगर m भी 0 हो जाए, b भी 0 हो जाए, तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल 0। याद रखना y इक्वल 0 इक्वेशन होती है x एक्सिस की, ये बात शायद मैंने अभी नहीं बताई हो, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जो x एक्सिस है ना उसकी इक्वेशन होती है y इक्वल 0, और जो y एक्सिस है उसकी इक्वेशन होती है x इक्वल 0। तो यहाँ पे इक्वेशन आ रही है y इक्वल 0, इसका मतलब कि किसकी इक्वेशन है, x एक्सिस की इक्वेशन हो जाएगी। कब, जब m भी 0 हो जाए और b भी 0 हो जाए, तब वो रिप्रेजेंट करेगी x एक्सिस की इक्वेशन को।
तो एमसीक्यूज कुछ पॉइंट्स आ सकते हैं, मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिए। तीसरी टाइप है टू पॉइंट। टू पॉइंट आप उस वक्त यूज करोगे जब आपको सवाल में दो पॉइंट गिवन है। तो ये फॉर्मूला है, इसमें वाई वन वाई टू एक्स वन एक्स टू आपको पता ही है, लाइन के ऊपर दो पॉइंट आपको गिवन होंगे, आप उसको पुट करना, आप क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करना। इसके सवाल आपको क्वेश्चन नंबर टू में मिल जाएंगे 2.5 के, तो वहां से आप लोग देख के सॉल्व कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, उसके बाद आंसर आ जाएगा। और इसको इस तरह भी आप लिख सकते हो, और इसकी एक डिटरमिनेंट वाली फॉर्म भी है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो। दोनों से सॉल्व करोगे इक्वेशन एक ही आएगी, लेकिन ये हम प्रेफर नहीं करते क्योंकि इसमें डिटरमिनेंट आ जाएगा, मसला होगा, तो नॉर्मली यही प्रेफर किया जाता है। एग्जाम्पल मैंने बताया, आप लोग इसकी बुक से देख लेना। अच्छा, मैं टू पॉइंट फॉर्मूला यूज़ नहीं करता, मैं आपको अपना इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन मैं जब मैंने बच्चों को एमसीक्यूज दिए तो मैं आंसर की बना रहा हूँ। अब आंसर की बनाते हुए मुझे अगर सॉल्व करना पड़ रहा है तो मैं टू पॉइंट फॉर्मूला यूज़ नहीं करता, क्योंकि मुझे ये मज़ा नहीं आता, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से मेरी कैलकुलेशन स्लो हो जाती है। तो मैं यहाँ पे क्या ऑल्टरनेट यूज़ करता हूँ, मैं यहाँ पे स्लो पॉइंट फॉर्मूला यूज़ कर लेता हूँ। कैसे? अगर मेरे पास दो पॉइंट लिखे हुए हैं, लेट कर लो ये पॉइंट, और मैं अगर बोलूँ कि यार मुझे इक्वेशन निकालनी है, तो मैं इसके बजाय पता क्या करूँगा, मैं ये यूज़ नहीं करूँगा, मैं सबसे पहले स्लोप निकाल लूँगा। स्लोप का फॉर्मूला मुझे पता है, वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, फोर माइनस टू डिवाइडेड बाई माइनस थ्री माइनस वन। तो स्लोप यहाँ से आ जाएगा माइनस वन अपॉन टू। अब मैं एक स्टेप में इक्वेशन निकाल सकता हूँ, न्यूमिनेटर वन है तो एक्स का कोफिशेंट वन, डिनोमिनेटर टू है तो वाई का कोफिशेंट टू, स्लोप नेगेटिव, दरमियान में पॉजिटिव आ जाएगा, वन लिखो ना लिखो बात एक है, और कोई भी पॉइंट पुट कर दो जो ईजी लगे। तो अगर मैं वन पुट करूँगा यहाँ पर वन आ जाएगा, मैं यहाँ पे टू पुट करूँगा टू इंटू टू फोर, वन प्लस फोर फाइव, तो मेरी कैलकुलेशन बच जाएगी। दूसरा, मैं अपने जहन में भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, इसको जहन में कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करने में और सॉल्व करने में मसला होता है, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं ना यूज़ करूँ ये, लेकिन आप लोगों को जो ईजी लगे आप लोग यूज़ कर सकते हो। यूज़ भी करना इंपॉर्टेंट है, वो भी आना चाहिए, और ये फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, एग्जैक्ट इस फॉर्म में या इस फॉर्म में पूछा जा सकता है। मैंने शुरू में बताया था कि ये एग्जैक्ट फॉर्म पूछी जा सकती है आपसे, तो ये पता होनी चाहिए आपको। चौथी फॉर्म है टू इंटरसेप्ट फॉर्म। टू इंटरसेप्ट फॉर्म वो वाली फॉर्म है कि जिसमें आपके पास अगर लाइन के ऊपर दो इंटरसेप्ट आपको गिवन हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। अगेन मैं ये वाली यूज़ नहीं करता क्योंकि इसकी भी जुगाड़ है। लेट कर लो अगर एक्स इंटरसेप्ट गिवन है आपको फाइव है इक्वेशन का, मतलब ए जो है वो फाइव के बराबर है, और वाई इंटरसेप्ट आपको गिवन है लेट कर लो माइनस टू के बराबर है, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है इक्वेशन मालूम करने का कि आप ए की जगह फाइव पुट कर दो, बी की जगह पे माइनस टू पुट कर दो, एलसीएम लो, सिंप्लीफाई करो, इक्वेशन आ जाएगी। मैं अगेन ये तरीका प्रेफर नहीं करता, मैं एक्स इंटरसेप्ट को इस तरह लिख देता हूँ और वाई इंटरसेप्ट को इस तरह लिख देता हूँ, अगेन वही टू पॉइंट फॉर्मूला लगा के मैं आंसर निकाल लेता हूँ। मैं इस चीज़ को प्रेफर करता हूँ, आप लोगों की मर्ज़ी। मैंने अपने वाले तरीके भी आपको बता दिए मैं किस तरह करता हूँ, और फॉर्मूले भी आपके सामने डिस्कस कर लिए, जो आप लोग खुद कैलकुलेशन करते हुए आप लोगों को ईजी लगे वो काम आप कर लो। लेकिन ये नहीं कि बहुत बड़ा टाइम का फर्क नहीं है, 5 से 10 सेकंड का फर्क होगा, कोई इतना बड़ा चेंज नहीं है। तो आपकी मर्जी, जो भी मेथड आप यूज़ कर लो आंसर आपको मिल जाएगा। यार एक चीज़ मैंने बनानी है, एक सेकंड रुको, क्या बताने लगा था मैं, एक सेकंड। हाँ, ये सवाल मेरे मास्टर्स में भी आया था रिसेंटली, मेरा मास्टर्स का जब मैंने टेस्ट दिया था ना तो ये सवाल उसमें भी आया था, क्योंकि उसमें कुछ इंटरमीडिएट की 30% इंटरमीडिएट दिया हुआ था उन्होंने। तो करना ये था कि आपको स्लोप निकालना था, और उन्होंने बोला था मतलब लाइन का वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ था, मतलब आपको सर आप जो मेथड यूज़ करते हैं उसमें इक्वेशन थोड़ा समझाएँ। यार देखो, समझाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, मैंने आपको बस मेथड बता दिया। स्लोप पॉइंट फॉर्मूला तो मैंने निकाल के दिखाई है, पूरी इक्वेशन ये वाली भी दिखाई है। अब प्रॉपर सॉल्यूशन मैं नहीं कर सकता क्योंकि टाइम नहीं है इतना कि मैं प्रॉपर आपको सॉल्यूशन बताऊं। मेरा काम है कि आपको उंगली पकड़ के ना रास्ता दिखा देना है। अब ये नहीं कि मैं रास्ते में आप लोगों के साथ जाऊँगा, बस मैं इतना रास्ता दिखा रहा हूँ कि आप लोग खुद कर सकते हो सब काम, लेकिन पूरा सॉल्यूशन नहीं हो सकता, बट टाइम का मसला हो जाएगा। अब वरना ये पॉइंट रह जाएंगे जो मैं बताने लगा हूँ, ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। पॉइंट मैंने बताना है कि अगर आपको लेट कर लो सवाल में आप लोगों को देता हूँ कि आपको वो दे दें कि एक्स इंटरसेप्ट दे दें, आपको वाई इंटरसेप्ट दे दें, और बोलें कि स्लोप निकालो उस लाइन का, तो स्टूडेंट फंस जाता है यहाँ पे, क्योंकि स्लोप का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पड़ा कि जिसमें एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट गिवन है। तो फिर वो पता नहीं क्या क्या मेहनत करके फिर स्लोप निकालते हैं।
अच्छा मुझे मास्टर्स में ये वाला फॉर्मूला याद नहीं था, लेकिन काम मैंने यही किया था। मैंने क्या काम किया था, मैंने एक्स इंटरसेप्ट को इस तरह लिख दिया, वाई इंटरसेप्ट को मैंने इस तरह लिख दिया। अब मेरे पास दो पॉइंट आ गए और इन दो पॉइंट की मदद से मैंने स्लोप निकाल लिया। तो ये काम वही है जो मैं भी आपको ट्रिक बताने लगा हूँ। ट्रिक इसकी क्या है, ट्रिक नहीं है, शॉर्ट फॉर्मूला कह लो, माइनस बी अपॉन ए। कहने का मतलब माइनस वाई इंटरसेप्ट डिवाइडेड बाय एक्स इंटरसेप्ट, माइनस वाई इंटरसेप्ट डिवाइडेड बाय एक्स इंटरसेप्ट। काम मैंने वही किया था, जब आप इसको वही स्लोप पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे तो आपके पास एग्जैक्ट यही फॉर्म आ रही होगी, लेकिन मुझे आता नहीं था ये, मैंने ये वाला मेथड यूज करके निकाल लिया। तो आपकी मर्जी, अगर आपको स्लोप वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट गिवन है तो आप उनको पॉइंट की फॉर्म में कन्वर्ट करके स्लोप लगा सकते हो, या ये वाला फॉर्मूला याद कर लो कि वाई इंटरसेप्ट डिवाइडेड बाय एक्स इंटरसेप्ट और उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास स्लोप आ जाएगा। दोनों तरीके आपके पास, जो आप लोगों को बेहतर लगे आप लोग यूज कर सकते हो। ये मैं दो तरीके इसलिए बताता हूँ कि स्टूडेंट के जहन में हो कि सब चीजें एक ही हैं, कि अगर आप लोग को ये चीज बता रहा है या ये चीज बता रहा है तो सब एक ही चीज है, बस जनरलाइज किया होता है उसको, वरना एक ही कॉन्सेप्ट होता है पूरा। दरअसल तो मेथड आपसे डिस्कस कर लिए किस तरह आप स्लोप निकालोगे जब आपको एक्स और वाई इंटरसेप्ट गिवन होगा। अब दोबारा इस पे आ जाओ यार, इसके कुछ सवाल होते हैं मेरे पास हैं जो आप इसी तरीके से कर सकते हो, मैं बताता हूँ ज़रा। हाँ, सवाल इस टाइप का आ सकता है कि आप इक्वेशन मालूम करो और बोला जाए कि लाइन जो है वो पास कर रही है इस पॉइंट से एंड हैव इक्वल इंटरसेप्ट, हैव इक्वल इंटरसेप्ट। अगर मैं आपको बोलूं अभी तक जितनी आपकी नॉलेज है, मुझे बताओ कि अगर आपको एक लाइन के ऊपर पॉइंट पता है और आपको बोल दिया जाए कि उसका इंटरसेप्ट इक्वल है तो आप लोग क्या करोगे। इंटरसेप्ट इक्वल का मतलब उसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट जो है ओरिजिन, वाई इक्वल टू टू एक्स। नहीं भाई, क्या हो गया भाई, ओरिजिन पे तो हमेशा, मैं समझ गया तुम लोग कहना चाह रहे हो, तुम ये कहना चाह रहे हो, तो जरूरी थोड़ी ना कि लाइन इसमें तो एक्स और वाई इंटरसेप्ट दोनों ही जीरो होंगे, वो क्रॉस ही नहीं कर रहा। जरूरी थोड़ी ना सिर्फ ये वो लाइन है जिसका एक्स और वाई इंटरसेप्ट इक्वल होता है, ये भी तो लाइन हो सकती है ना, ऐसी तो इनफाइनाइट हो सकती है, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ये भी डिस्टेंस लेट कर लो टू है, ये भी डिस्टेंस टू है, तो जरूरी थोड़ी ना कि लाइन ओरिजिन से पास करे तभी उसका एक्स और वाई इंटरसेप्ट सेम होगा। ऐसे इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं कि जब लाइन का एक्स और वाई इंटरसेप्ट सेम हो सकता है। तो और दूसरी बात भाई, ये सेंस ही नहीं बनती कि अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास कर रही है तो वो इस पॉइंट से पास ही नहीं कर सकती, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना मुश्किल हो जाएगा, आप नहीं कर पाओगे। खैर ये तो खैर अलग बात होगी, लेकिन बल्कि ये बात गलत होगी है, मैं पहले से क्लियर कर रहा हूँ, इसको नोट नहीं कर लेना, बस इस चीज़ को नोट कर लेना कि जो ओरिजिन से लाइन अगर पास कर रही है उसमें भी एक्स और वाई इंटरसेप्ट सेम होगा, और वैसे कितनी लाइन हो सकती है जिसमें एक्स और वाई इंटरसेप्ट सेम होगा। तो मेथड आप यहाँ पर क्या यूज़ करोगे, मेथड बहुत ईजी है, मेथड ये है कि जब भी आपके पास वर्डिंग आ जाए ना कि हैव इक्वल इंटरसेप्ट, तो आपने आंखें बंद करके ये लेट कर लेना है। ये समझ लो आपकी इक्वेशन की दो टर्म आ गई हैं, कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। कब करोगे, जब सवाल में आ जाएगा हैव इक्वल इंटरसेप्ट, ठीक है, उसके बाद आपने पॉइंट देखना है, जो पॉइंट है उसको इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, एक्स की जगह टू पुट करो, वाई की जगह फोर पुट करो, टू प्लस फोर सिक्स, बस ये इक्वेशन है आपकी। तो क्या किया आपने, अच्छा इसमें x और y इंटरसेप्ट निकाल के देख लेना, नोट कर लेना कि क्या कहते हैं दोनों इक्वल आ रहे हैं, x इंटरसेप्ट भी 6 आ रहा है, y इंटरसेप्ट भी 6 आ रहा है, और ये लाइन जो है वो इस पॉइंट से पास भी कर रही है। अच्छा जी हाँ यही होगा, और इसके तो कोई मेथड नहीं, जब भी आपके पास वर्डिंग आ जाए हैव इक्वल इंटरसेप्ट तो इन दो को लेट करना, उसके बाद आप पॉइंट पुट करना, आपके पास आंसर आ जाएगा। और अगर आपको ये बोल देते कि हैव इक्वल इंटरसेप्ट, नहीं सिंपल आपको बोलते, जैसे एक स्टूडेंट है ना उस टाइप का सवाल मैं आपको देता हूँ कि अगर वो बोल देते कि लाइन जो है वो इस पॉइंट से पास कर रही है और वो ओरिजिन से भी पास कर रही है, एक लाइन जो है वो इस पॉइंट से पास कर रही है और ओरिजिन से भी पास कर रही है, तो दो ऑप्शन है आपके पास। अगेन पहला जो ईजी ऑप्शन है कि भाई आप दो पॉइंट लेट कर लो, इन टू पॉइंट के जरिए से आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, आप स्लोप पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, तो आपके पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। या आप ये वाला फॉर्मूला भी कर सकते हो, अभी मैंने बताया था कि जब कोई लाइन ओरिजिन से पास करती है तो उसकी इक्वेशन होती है वाई इक्वल टू एम एक्स, तो इसको कंसिडर करना, ठीक है, पॉइंट में वाई वैल्यू क्या है 4, एक्स वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ से स्लोप क्या आ जाएगा, स्लोप 2 के बराबर आ जाएगा,
ठीक है, और स्लोप को यहां पे आप पुट कर देना। तो सबसे पहले y इक्वल टू mx लेट करना, पॉइंट पुट करना, स्लोप की जो भी वैल्यू है वो दोबारा पुट करना, आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। लेकिन ये इक्वेशन उस वक्त आएगी जब वो सवाल में आपको मेंशन करेंगे कि लाइन ओरिजिन से पास कर रही है। अगर मेंशन नहीं करेंगे तो फिर गलत मेथड हो जाएगा, क्योंकि जब जनरलाइज बात की जाए तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि वो ओरिजिन से पास कर रही है, वो कहीं से भी पास कर सकती है। तो इस तरह सवाल भी होगा, ये वाला सवाल भी होगा, और बाकी जब आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो बहुत सी पॉसिबिलिटीज और भी हैं। वो जब एमसीक्यू सॉल्व करोगे आपका खुद ही दिमाग खुलता जाएगा, समझ आती जाएगी बात। यहां तक बात क्लियर है सबको? अब आखिरी फॉर्म है जो इतनी यूज नहीं होती, बस पता होना चाहिए आपको, उसको आप कहते हैं नॉर्मल या परपेंडिकुलर फॉर्म। ये होती है एक्स कॉस अल्फा y sin alpha equal to p। दो चीजें इसमें आपको डिफरेंट लगनी है, एक तो अल्फा दूसरा p, ये क्या होते हैं। तो लेट कर लो भाई, एक लाइन है इस टाइप की, ठीक है, ओरिजिन से लेके लाइन पे अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो जो इस परपेंडिकुलर की लेंथ होगी ना उसको आप p से शो करोगे। p यहां पे क्या है कि अगर आप ओरिजिन से लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो जो उस पूरे परपेंडिकुलर की लेंथ है उसको आप p से शो कर रहे हो। तो आपको यहां से दिखने में लग रहा है कि p एक लेंथ है, तो इसका मतलब p हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता ये। दूसरी चीज, यहां पे आपको अल्फा नजर आ रहा है, तो अल्फा क्या होगा कि जो परपेंडिकुलर एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, ये जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किए ना, ये जो एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है उस एंगल को आप क्या बोलोगे, अल्फा बोलोगे। तो लेट कर लो इसका सवाल किस तरह आएगा कि वो आपको अल्फा दे देंगे, ठीक है, और वो आपको पी की वैल्यू दे देंगे। अच्छा, वो अल्फा और पी की नोटेशन करके वैल्यू भी दे सकते हैं या वो आपको एक्सप्लेन करके भी देंगे। ये दोनों तरीके आपको क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट 2 पार्ट में मिल जाएंगे, 2.5 में। लास्ट पार्ट में लिखा हुआ है पी जो है वो 3/2 है, अल्फा जो है वो 150 है, तो आप डायरेक्ट पुट कर दोगे। लेकिन पार्ट नंबर 11 में थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखा हुआ उन्होंने, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन इज इक्वल टू 3, मतलब वही P की बात की जा रही है, परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन 3 के बराबर है, ठीक है। और फिर लिखा हुआ है एंड इट मेक्स एन एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिस, और वो परपेंडिकुलर एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से 60 डिग्री। तो इस तरह घुमा के भी पूरा एक्सप्लेन करके भी दे सकते हैं, या डायरेक्ट आपको पी और अल्फा की वैल्यू दे देंगे, आपके इक्वेशन निकालनी होगी। ये जो तरीका है ना, इसमें आपको यही इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, मतलब अगर आपको पी गिवन है और अल्फा गिवन है तो कोई और रास्ता आपके पास नहीं है, एटलीस्ट मुझे नहीं पता कोई और रास्ता कि पी और अल्फा से आप कोई और इक्वेशन यूज करके फाइंड करो। आपके पास एक ही हल है कि आप क्या करोगे, नॉर्मल फॉर्म ही यूज करोगे। तो ये हमारा टॉपिक खत्म, चैप्टर नंबर 2 का यही टॉपिक था। एग्जाम्पल आप लोगों को मैंने बताया कि जो 1 और 2 है ना क्वेश्चन 2.5 का, बस उसको सॉल्व कर लो, इन सब की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। कोई भी सवाल यहां तक? उसमें वैल्यू कैसे पुट होगी? अच्छा, या जैसे लेट कर लो पी गिवन है 3/2, अल्फा गिवन है, वही बुक का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, 150 डिग्री। तो आप लिखो एक्स कॉस अल्फा की जगह 150 डिग्री पुट कर दो, प्लस वाई साइन 150 डिग्री, और पी की वैल्यू 3/2 है। इसको सॉल्व करना है, आप लोगों के पास तो कैलकुलेटर भी है, आप लोगों को तो वैल्यू भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि साइन 150 क्या होता है, कॉस 150 क्या होता है। बहरहाल कॉस 150 होता है -√3/2, और साइन 150 हो जाएगा 1/2 इक्वल टू 3/2। तो बस इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना मुश्किल है, 2 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी -√3x + y = 3।